मेष राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि धरती पर पहली बार इतनी बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। आज शाम के 4:20 के बाद आप सुबह की कुंडली में ग्रह गोचर में जो बड़े बदलाव होने वाले हैं दोस्तों, सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अब समय बहुत कम है। आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों, नहीं तो जीवन भर पछताओगे। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम से आपके जीवन में तीन बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। जी हां दोस्तों, यह घटना आप सभी को हिलाकर रख देगी। जो आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेगा वह मालामाल हो जाएगा, इस बात की हम फुल गारंटी देते हैं दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। यह आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली और ब्रह्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, ब्रह्मा का लकीर है। जो इस वीडियो को ध्यान से समझ लेगा वह अपने जीवन में हर क्षेत्र में कामयाब होने वाला है। उनके जीवन की सारी परेशानी खत्म होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण आपके ग्रह गोचर का पूरी तरह से आकलन करने के बाद, आखिर आपके जीवन में परेशानी क्यों आ रही है, उनके कारण क्या है, सभी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। और आज शाम से आपकी कुंडली में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले, आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा दोस्तों। यकीन मानिए माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव रहेगा। चलिए बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको हिलाकर रख देगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी रहस्यमय बातों के बारे में बताया गया है, शायद आप जानते नहीं थे या फिर आप जानते भी थे तो उनके महत्व को अब तक आप समझ नहीं पाए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके ही द्वारा की गई कुछ गलतियों का नतीजा है कि आपके जीवन से कष्ट और परेशानियां समाप्त नहीं हो रही हैं। हर एक बात के लिए हम अपनी ग्रह नक्षत्रों या फिर दूसरी शक्तियों को दोष नहीं दे देते, कहीं ना कहीं तो हम भी जिम्मेदार होते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो हमारी भी होती हैं। इसी क्रम में दोस्तों आपके लिए यह वीडियो हमने बनाया है, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 5 बातें जो आपने किसने किसी को बताई हैं, या यूं कहें कि वह आपकी गलती है जो आपने बार बार दोहराई है। जी हां दोस्तों, और आप अभी भी उस गलती को लगातार दोहराते चली जा रही है। जब जब आपको ईश्वर किसी ना किसी रूप में संकेत देते हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उन संकेतों को दूसरों को बता देते हैं और फिर होती है आपकी हानि और आपको नहीं मिल पाती ईश्वर की कृपा। जी हां दोस्तों, आप बनी रहे वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो केवल आपके लिए बनाया गया है। आपके जीवन में इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य आएगा, आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होगी। शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता भद्रकाली आपके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। दोस्तों याद रखें कि जिनके साथ है माता भवानी, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तुम्हें तो विधि की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप जिसके साथ जुड़ते हैं बड़े ही दिल से जुड़ते हैं। आप भेदभाव नहीं करते हैं, भूल जाते हैं कि लोग मन ही मन आपसे नफरत भी कर सकते हैं, आपका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसी के चलते आप कभी कभी ऐसी जगह से धोखा खाते हैं जहां से आपको बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं थी। फिर आपको इस संसार से दुनियादारी से भरोसा उठ जाता है, आपको बहुत बुरा लगता है, या यूं कहें कि आपका दिल टूट जाता है। आपको होशियार होने की आवश्यकता है। यह दुनिया है इस तरह नहीं चलती जैसी आप इसे समझते हैं, यह आपकी तरह नहीं है, तो आपको भी अब इस दुनिया के अनुसार थोड़ा सा सतर्क बनना होगा। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, आपको अपने आप को बचाने के लिए होशियार बनना होगा। जी हां दोस्तों, हमारी बस यही कोशिश रहती है कि आपको छोटी छोटी बातें, कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताते रहे जो आपको किसी ना किसी रूप में लाभ अवश्य पहुंचाएंगे, आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आएंगे। जी हां दोस्तों,
हम जानते हैं कि आप अनजाने में ही सही ऐसी गलतियों को दोहराते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं। वैसे तो आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपको यह भी बता दिया जाएगा कि यह काम आवश्यक है और इसे अवश्य करना है, और दूसरा काम बिल्कुल अनावश्यक ऐसे बिल्कुल छोड़ देना है। तो आप तुरंत अपनी तर्क शक्ति से पता लगा लेती हैं कि इस काम को करना है कि नहीं करना है, लेकिन अपनों के बीच पहुंचकर आप सारी बुद्धिमानी भूल जाते हैं। आपकी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो दुश्मन बाहर से आते हैं उनको तो हम बड़ी आसानी से पहचान जाते हैं, उनके लिए हम तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन दुश्मनों का क्या जो हमारे अपनों के बीच ही चुके हैं और हमें उनके बारे में भनक तक नहीं है। और एक ना एक दिन जब समय आएगा, जब सही मौका होगा, तो वह दुश्मन बात करेगा और आपको चोट पहुंचाएगा। जी हां दोस्तों, कुछ लोग तो आपसे ऐसे जुड़े हुए हैं जो केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन इस चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको एक लाकर आपके मन के भावों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपके उनका शोषण कर रहे हैं, आपका बहुमूल्य समय और आपकी बहुमूल्य संपदा को लूट रहे हैं। ऐसे लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन्हें आप पहचानिए, आप अपने तर्क शक्ति का इस्तेमाल करिए, अपनी भावनाओं को थोड़ा संभालिए। हर जगह भावनाओं से काम नहीं चलता है, अब खो जाने से काम नहीं चलता है। अपनी तर्क शक्ति से ऐसे लोगों को पहचानिए और उन्हें अपने जीवन से दूर कर दीजिए, वरना ऐसे लोग आपके हर एक सुख, आपकी हर एक सुविधा को सूख जाएंगे और आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि वैसे भी अभी तक के जीवन में आपको बहुत बड़े लाभ प्राप्त नहीं हो पाए, आपको कष्ट अधिक मिले हैं, सुविधाएं कम मिली हैं, लोगों से नफरत अधिक मिली है, प्रेम कम मिला है, लेकिन इस सब का भी आपके मन में कोई मल्लाल नहीं है। आप बड़ी ही संतुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं। आपको जो भी जीवन में मिल गया, आपने उससे काम चला लिया, आपने किसी से शिकायत नहीं की, किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया। आप अपने कष्ट अपने तक ही रखते हैं, छुपाकर रखते हैं, लोगों को जाहिर नहीं होने देते। आपका मुस्कुराता चेहरा लोगों को धोखा दे जाता है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई कष्ट ही नहीं है, आपके पास तो सुख संपदा भारी पड़ी है। अच्छी बात है, लोगों को यह सब पता होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको अवश्य ही छुपाना चाहिए, उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में बनी रही है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आखिरी की दो बातें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद आवश्यक है, और हम गारंटी देते हैं कि आपको अब तक उन बातों के बारे में भनक तक नहीं, और आप लगातार उन बातों को दूसरों से बताते चले आ रहे हैं और उन बातों का पूरा लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों की ही बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिनके कभी कदर नहीं हुई है, जिनकी भावनाओं की आज तक है कदर नहीं हो पाई है। आपने हमेशा लोगों में प्यार लुटाया है, सबको खुश रखने की कोशिश की है, लेकिन बदले में आपको केवल और केवल निराशा ही प्राप्त हुई है। तो अब आपको सतर्क होना है, होशियार होना है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी भी बातें हैं जो आपको नहीं बतानी है। सबसे पहली बात कि आप अपने सपने किसी को भी कभी ना बताएं। जी हां दोस्तों, ईश्वर सपने के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। जी हां दोस्तों, पर कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है, किसी सपने के माध्यम से आपको भविष्य भी दिखा दिया जाता है। जी हां दोस्तों, इस बात के कई प्रमाण हैं कि ईश्वर ने कई लोगों को सपने के माध्यम से उनके भविष्य के दर्शन कराए हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव आए हैं। तो आपके जीवन में भी कभी कभी कोई ना कोई ऐसे सपने आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, फिर आप सुबह जाकर उन सपनों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, अपनी नजदीकियों को बताते हैं कि मुझे ऐसा सपना आया, वैसा सपना आया। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप अपने मन में विचार करिए, किसी बुद्धिमान इंसान के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पता लगाने की कोशिश की थी इस सपने का क्या मतलब है, लेकिन यह केवल और केवल आप तक ही होना चाहिए, इसे आपको किसी को बताना नहीं है। अब दोस्तों, हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा सपना है? ईश्वर के द्वारा दिया गया संगीत है तो दूसरी इसका बड़ा ही सरल उपाय है। जब हम सोकर जागते हैं तो रास्ते में आने वाले सपने अक्सर हमें भूल जाते हैं, याद नहीं रहते हैं, लेकिन जिस सपने के माध्यम से ईश्वर हमें संकेत देना चाहते हैं, वह अपना हमें पूरा का पूरा याद रहता है। वह ऐसे याद रहता है जैसे कि वास्तविक घटना हो, और समझ लीजिए कि वही सपना हमारा संकेत है जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं।
कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अंदर यह आदत है कि नहीं। आप अपने सपनों को अपनी नजदीकियों के साथ में बताते हैं, चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसी क्रम में दूसरी बात जो आप दूसरों को हमेशा बता देते हैं वह होता है उपाय। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई कष्ट चल रहे, कई परेशानियां चल रही हैं और आप उन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय करते रहते हैं। उपाय करना बेहद आवश्यक है। उपाय के माध्यम से हम अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए और हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूल यह होती है कि आप उस उपाय के बारे में बता देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल है। दोस्तों, आप जिस उपाय को भी कर रहे हैं उसे जितना हो सके उतना गुप्त रखें। अपने पुत्र, अपने भाई, अपनी पत्नी तक को छुपाए के बारे में कभी ना पता है तो वह उपाय निश्चित ही फलित हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बस सुना ही होगा कि जोग जुगत और मंत्र उपाय फल है, तब आई जब करे दुराव, यानी कि आप जितना ज्यादा चुप आएंगे उतना ही ज्यादा उसका परिणाम प्राप्त होगा। इसी क्रम में दोस्तों तीसरा है कि वह मंत्र या वह पूजा जो आप कर रहे हैं वह आप दूसरों को बता देते हैं। वैसे तो साधारण तौर पर हम सभी पूजा पाठ करते ही हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन कभी कभी आप कुछ विशेष पूजा पाठ करने लगते हैं जो आपको किसी ने बताई है। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आप उस पूजा के बारे में, उस मंत्र के बारे में दूसरों को कभी नहीं बताएंगे। यदि आप बता देंगे तो उस पूजा का है और उस मंत्र का पूरा फल उस इंसान को भी प्राप्त होने लगेगा जिसे आपने पता किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई और भी बातें हैं जो हमें छुपा कर रखनी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन समय बहुत कम है, इस वजह से सारी बातों को बता पाना संभव नहीं है। तो जो बातें हमारी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हैं, आज हम केवल उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, जब भी आप माला, फिर यदि आप माला फिरते हैं तो जब भी आप माला फिर हैं तो अपनी माला को छुपा कर रखें और हो सके तो एकांत में ही फिर हैं। कोई भी आपको माला फेरते हुए देखे ना, जब भी आपको कोई माला फेरते हुए देखेगा तो आपको जो माला फेरने का फल प्राप्त होगा उसका आधा फल है उस इंसान को भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यह विधि का विधान है दोस्तों, किसे कोई बदल नहीं सकता है। इसी क्रम में दोस्तों चौथा है, आप अपनी आमदनी, अपनी प्रॉफिट के बारे में लोगों को बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको पाकर ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप जोश में आकर जब चर्चाएं गर्म हो जाती हैं, लोग बातें करने लगते हैं, माहौल बन जाता है, तो आप जोश में आकर अपने पैसे के बारे में लोगों को बता देते हैं। यदि आपको फायदा हो रहा है तो कभी जाहिर मत करिए किसी के सामने कि आपको फायदा हो रहा है। इसका दुष्परिणाम यह है कि जब भी आप ये कहते हैं कि मुझे इतना फायदा हो रहा है, या केवल आप इतना ही कह दें, मेरे पास बहुत पैसा है, जब मुझे बहुत आमदनी हो रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कहते ही हमारी लक्ष्मी का बंधन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अध्यात्म में हम अपनी लक्ष्मी का बंधन स्वयं ही कर देते हैं, जाने अनजाने यह गलती हम कर देते हैं। वैसे तो लक्ष्मी का बंधन है दूसरों के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब कभी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं ही लक्ष्मी का बंधन कर देते हैं, और जब लक्ष्मी का बंधन हो जाता है उसके बाद फिर लक्ष्मी आपके पास आने से खतरा नहीं लगती है, या यूं कहें कि आपकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात को आपने कई बार नोटिस भी किया होगा दोस्तों, जैसे ही आपने अपनी आमदनी के बारे में बखान करना शुरू किया, लोगों से खुलकर बात करनी शुरू करें, वैसे ही आपकी आमदनी पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपकी आमदनी सुन रहा है, हो सकता है उसकी आमदनी आपसे कम हो सकता है, वह आपसे जलता हूं, आपसे बुरी स्थिति में रह रहा हो, तो उसके मन से जो भाव निकलेंगे उनका भी तो कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। आपको अपनी इनकम, अपनी आमदनी के बारे में बिल्कुल चुप हो जाना है, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों, समय आने पर अपने आप चीजें देखने लगती हैं, आपको दिखाने या चाहे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके अंदर एक कमी है जिसे हम कह सकते हैं कि आप जोश में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर जाती, कुछ ऐसी बातें भूल जाते हैं जिनके लिए बाद में फिर आपको भी पछताना पड़ता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में आपको पांचवा बताते हैं
कि जब भी आप किसी देवी स्थान पर जाने की तैयारी करते हैं, जैसे कोई तीर्थ स्थान वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं या कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप उसकी लोगों से चर्चा करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, ये गलती तो अक्सर लोग दोहराते हैं। मैंने देखा है कि लोग अक्सर दिव्य स्थानों पर, धीरे स्थानों पर जाते हैं और पहले ही उसका बखान करना शुरू कर देते हैं। जितना हो सके उतना गुप्त रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस स्थान पर जा रहे हैं। जब आप लौट कर आएंगे तो अपने आप लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन जब आप जा रहे हैं उस समय आप बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इसीलिए तो जिन स्थानों पर मौजूद ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है, आप देखते होंगे कि लोग तमाम तीर्थ स्थानों पर घूम रहे हैं, तमाम देवी स्थानों के दर्शन कर रहे हैं, तब भी पीड़ित है, तभी परेशान है, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि देवी स्थानों पर देवी शक्तियां नहीं है, उनके असर नहीं होते, प्रभाव नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही गलती करके आ गए। आप जिन जिन लोगों को बताकर आई है, जिन जिन लोगों को पता है कि आप किस देवी स्थान पर जा रहे हैं, उन लोगों को भी आपके पुण्य का फल बच जाएगा। तो समझिए कि आपने अपना फल कितने लोगों को पहले ही बांट दिया, तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको किसी को बताना नहीं है, जैसे कि आप किस समय पूजा पाठ करते हैं, आप किस देवी या देवता की पूजा करते हैं, आप किस दिन व्रत रहते हैं वगैरह वगैरह। अपने आप लोगों को यदि पता चल जाता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से आपको ऐसी बातें नहीं बतानी है। तो दोस्तों, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन सी गलतियां लगातार दोहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में हर इंसान गलती करता है। गलती करना बुरी बात नहीं है, मगर गलती को नहीं सुधरना उससे भी बुरी बात है। दोस्तों, आपको कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे आपकी गलती भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए और ईश्वर की नजरों में आप धीरे धीरे पुण्य की भागी बनते जाए। उपाय को भी आप ध्यान से सुनिएगा और उन्हें अपने जीवन काल में अवश्य अपना आएगा। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, न ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं, ऐसा करने से धन की हानि होती है, लक्ष्मी छेक्स निकल जाती है, घर में अशांति होती है। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। पूजा सुबह 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठ कर करनी चाहिए। पूजा का आसन जुट अथवा कुश का हो तो उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। यदि घर में पत्नी अपने हाथों में कम से कम 2 सोने की या पीली चूड़ी पहने तो भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम और घर में सुख बना रहता। जहां तक संभव हो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को घर का कोई भी सदस्य न तो नाखून, बाल काटें और ना ही शेव बनाए। इसके अतिरिक्त बृहस्पतिवार और शनिवार को घर में कपड़े भी ना धोएं, नहाते हुए सर को गीला ना करें और बालों में तेल भी कतई ना लगाएं। यदि व्यक्ति सुबह नाश्ते में पत्नी या मां के द्वारा केसर मिश्रित दूध का सेवन करें और काम में जाते समय नियम पूर्वक उनके हाथ से जबान में केसर लगाए और थोड़ी सी चीनी खाए, तो घर में सदैव सुख शांति और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। यदि घर में क्लेश रहता है, घर के सदस्यों में मतभेद रहते हैं, तो घर में आटा शनिवार को ही पिसवाएं या खरीदें और साथ ही 100 ग्राम पिसे काले चने भी लें, जो उस आदते में मिला दें, जल्दी ही स्थिति में सुधार होते हुए देखेंगे। जब भी घर में खाने पीने की कोई वास्तु मिठाई आए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों को देकर ही पति पत्नी उस वस्तु का सेवन करें। बहुत ही चमत्कारी और परखा हुआ उपाय है। यदि पति पत्नी में से कोई भी दूसरे से नाराज है तो खूमी का पुष्प 1 माशा शहद में मिलकर खिलाने से उनके बीच का मनमुटाव दूर हो जाता है, उनका पुनः मेल हो जाता है। यदि किसी स्त्री का पति बहुत ज्यादा क्रोध करता हो तो वह स्त्री शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार, सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार किसी भी दिन नए सफेद कपड़े में 1 डल्ली गुड़, चांदी एवं तांबे के 2 सिक्के, 1 मुड्डी नमक,
और एक मुट्ठी गेहूं को बंद कर घर में कहीं भी चुपचाप रख दें। कुछ समय बाद पति का स्वभाव बदलने लगेगा, हर बात बात पर क्रोध करना बंद कर देगा। यदि कोई स्त्री नियमित रूप से शनिवार को चमेली का दीपक जलाकर श्री सुंदर कांड का पाठ करती है या किसी योग्य ब्राह्मण से करवाती है तो उसका घर, पति तथा बच्चे हमेशा किसी भी प्रकार की विपदा से बचे रहते हैं। यदि साप्ताहिक न हो सके तो भी माह में कम से कम एक बार सुंदर कांड घर में अवश्य ही होना चाहिए। यदि घर में पति पत्नी के मध्य ज्यादातर क्लेश होता है तो उनमें से कोई भी शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करके कम मीठे सफेद चावल बनाएं, फिर उन्हें किसी बड़े पात्र में निकालकर उसमें बूरा, महीन चीनी और शुद्ध घी मिलकर सफेद गाय को खिलाएं तक करने से दोनों के बीच क्लेश खत्म हो जाएगा। यदि पुत्र रुष्ट है तो पिता प्रत्येक शनिवार को सुबह पीपल में मीठा जल एवं शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं या सरसों के तेल की धार अर्पित करें तो बहुत ही जल्दी पिता पुत्र के मध्य अवरोध खत्म हो जाएगा। शनिवार को पिता यदि अपने पुत्र को कोई भी नीले रंग का उपहार दे तो अति शीघ्र पुत्र का पिता से मतभेद समाप्त हो जाता है। बहन भाइयों के बीच में झगड़ा या मनमुटाव हो तो मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ जमीन में दबाए संबंध अच्छे हो जाएंगे। यदि किसी महिला का ससुर उससे नाराज रहता हो तो वह महिला प्रतिदिन जल में गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अध्य दे तो उसकी यह समस्या दूर हो जाती है। किसी महिला का उसकी सास के साथ झगड़ा होता रहता हो तो वह स्त्री पूर्णिमा की रात में खीर बनाकर चंद्रमा की किरणों में रखे और फिर वह खीर अपनी सास को खिला दे, सास बहू में बनने लगेगी। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे और सहज उपाय हैं जिनको अपनाकर हर व्यक्ति अपने परिवार में प्रेम और सौहार्द के वातावरण का निर्माण कर सकता है। यदि घर में पति पत्नी में मतभेद होते हैं तो 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में रखें तो उनके बीच के सभी प्रकार के क्लेश दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बनाए रखने के लिए नियमित रूप से केले ऑफ पीपल वृक्ष की सेवा करें। गुरुवार को केले ऑफ पीपल दोनों के वृक्ष को जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और शनिवार को पीपल में सरसों के तेल का दीपक जलाएं एवं मीठा जल अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में निरंतर प्रेम बनाए रखने के लिए पत्नी अपने पति द्वारा भोजन करने के बाद उसके बचे हुए भोजन में से निवाला अवश्य खाएं, किंतु अपने बचे भोजन में से उसे न खाने दें। ऐसा करने से पति हमेशा अपनी पत्नी से प्रेम करता रहेगा और कभी भी किसी और स्त्री की ओर आकर्षित नहीं होगा। एक बार तो अवश्य ही करें। ऐसा कम से कम सप्ताह में यदि घर की स्त्री प्रतिदिन प्रातः उठते ही सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए सुख और सौभाग्य के प्रार्थना करते हुए एक लोटा जल डाले तो उसका अपने पति से और उस घर के सभी सदस्यों का आपस में हमेशा प्रेम बना रहता है और उस घर का आर्थिक पक्ष भी हमेशा मजबूत रहेगा। हनुमान जी को गुड़ और चने ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? हनुमान जी को जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उन सभी का अलग अलग महत्व और फल है। उन्हें इमरती, नारियल, बेसन के लड्डू, रोट, हलवा, पान का बीड़ा आदि। इसी के साथ उन्हें मुख्य तौर पर गुड़ और चने का प्रसाद जरूर अर्पित किया जाता है। आओ जानते हैं कि क्यों को उन्हें गुड़ और चने के प्रसाद चढ़ाया जाता है। गुड़ चने का प्रसाद, हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ाया ही जाता है। यह मंगल का उपाय भी है, इससे मंगल दोष मिटता है। गुड़ को अर्पित करने से सूर्य के दोष भी दूर हो जाते हैं। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते हैं तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि आजकल गुड़ की जगह चिरौंजी ज्यादा मिलती है, लेकिन चने के साथ गुड़ का ही संयोग होता है। गुड़ और चना खाते रहने से खून की कमी भी दूर होती है और व्यक्ति में शारीरिक स्थिति पैदा होती है। गुड़ और चना न केवल आपको एनीमिया से बचाने का काम करते हैं बल्कि आपके शरीर में आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति भी करते हैं। पूरा अवश्य पढ़े, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुख्य द्वार के पास कभी भी कूड़ादान ना रखें, इससे पड़ोसी शत्रु हो जाएंगे। सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर ना दें, इससे घर की बरकत समाप्त हो जाती है। छत पर कभी भी अनाज या बिस्तर ना धोएं,
हों सुखा सकते हैं। इससे ससुराल से संबंध खराब होने लगते हैं। फल खूब खाओ, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन उसके छिलके कूड़ादान में ना डालें बल्कि बाहर फेंके। इससे मित्रों से लाभ होगा। माह में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाकर परिवार सहित एक साथ खाएं, अर्थात जब पूरा परिवार घर में इकट्ठा हो उसी समय खीर खाएं। तो मां लक्ष्मी की जल्दी माह में एक बार अपने कार्यालय में भी कुछ मिष्ठान जरूर ले जाएं। उसे अपने साथियों के साथ या अपने अधीन नौकरों के साथ मिलकर खाएं तो धन लाभ होगा। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य लेकर आएगी। यह जानकारी आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां भवानी पूरे भक्ति भाव के साथ अवश्य लिखें। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। और हां, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।